हेलो फ्रेंड्स, जावा 8 की सीरीज में ये हमारा सेवेंथ लेक्चर है। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रीडिकेट के बारे में, उसी का ये कंटिन्यूएशन लेक्चर है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में भी अपन कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और उसके बेस पे प्रीडिकेट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बेसिकली हमने 3 क्वेश्चंस पिछले वाले वीडियो में कर रखा है, राइट। ये थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक अलग से क्लास बना रहा हूँ और इसके बेस पे अपन क्या कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास प्रिंट ओनली दोज एम्प्लॉय हु इज लीड और मैनेजर। सो बेसिकली कंपनी में क्या होता है कि जो इम्प्लॉय होते हैं, तो एक इम्प्लॉय कुछ भी हो सकता है। एक इम्प्लॉय का रोल डेवलपर का भी हो सकता है, टेस्टर का भी हो सकता है, सपोर्ट का भी हो सकता है। एक इम्प्लॉय लीड भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है, सीईओ भी हो सकता है, कुछ भी, है ना। सो बेसिकली ये सब इम्प्लॉय ही है, पर इनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, कैटेगरी होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे दो कैटेगरी की बात करेंगे, लीड और मैनेजर की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले पहले अपन चलते हैं अपने नेटबिन पे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ। तो मैं क्लास का नाम रखता हूँ इम्प्लॉय क्लास। तो मैं लिखता हूँ इम्प्लॉय, और बेसिकली अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस इम्प्लॉय क्लास में 3 वेरिएबल रखता हूँ, 3 इंस्टेंस मेंबर को मैं डिक्लेयर करता हूँ, राइट। सो आई एम राइटिंग प्राइवेट, सो लेट से इम्प्लॉय का अपना कुछ नाम होगा। सो मैं लिखता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, उसका कुछ एज होगा तो मैं लिखता हूँ इंट एज, और कुछ उसका अपना डेजिग्नेशन होगा, राइट। सो डेजिग्नेशन डेफिनेटली इट विल बी इन स्ट्रिंग, सो आई एम राइटिंग डेसिग्नेशन। सो डेसिग्नेशन मीन्स इधर ही और सी कैन बी अ डेवलपर, टेस्टर और लीड, यू नो मैनेजर, समथिंग लाइक दैट। ओके, आफ्टर दैट लेट मी क्रिएट इट्स कंस्ट्रक्टर। सो आई एम क्रिएटिंग वन कंस्ट्रक्टर, आई गो टू शो एंड देन नॉट फिक्स इम्पोर्ट, सॉरी इंसर्ट कोड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं, 3 आर्गूमेंट लेगा डेफिनेटली। सो 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, उसके बाद मैं गेटर सेटर बनाता हूँ, मे बी अगर हमें फ्यूचर में जरूरत पड़े, दैट्स द रीजन। सो अगेन आई एम इंसर्टिंग सम कोड बेस्ड ऑन गेटर एंड सेटर। सो नेटबीन आईडी यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है ना, तो आप कोई भी आईडी यूज़ करो, आप इक्लिप्स यूज़ करो, आप एसटीएस यूज करो, आप इंटेलीजे यूज करो, है ना। सो उसके बाद एक और मैं काम करता हूँ, मैं 2 स्ट्रिंग भी इसका कॉल कर लेता हूँ, मतलब ओवरराइड कर लेता हूँ, ताकि अपने को इसका भी एक एक्सेस मिल जाए, है ना। तो जब भी अपन प्रिंट करें अपन इम्प्लॉई, ये अदरवाइज ऑब्जेक्ट क्लास का 2 स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इम्प्लॉई क्लास बना लिया। सो बेसिकली इस इम्प्लॉई क्लास में हमने 3 इंस्टेंस मेंबर रखा है। द फर्स्ट वन इज नेम, सेकंड वन इज एज, एंड द थर्ड वन इज डेजिग्नेशन। आफ्टर दैट अब मैं क्या करता हूँ अपने मेन क्लास में, सबसे पहले मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ इम्प्लॉई का, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई एम राइटिंग इट एज ईएमपी लिस्ट। ओके, और या तो 2 तरीका है, या तो आप एरेज डॉट एज लिस्ट यूज़ कर लो, या फिर आप 5-6 इम्प्लॉय का पहले ऑब्जेक्ट बना लो और फिर उसको आप इस लिस्ट में क्या करो, ऐड कर लो। तो मैं सिंपली मैं एरेज डॉट एज लिस्ट ही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रखूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो सबसे पहला लेता हूँ, मान लो न्यू EMPLO बाई एम्प्लॉय, और लेट्स से कंस्ट्रक्टर हमारा किस वे में है, तो नेम एज एंड डेजिग्नेशन। सो नेम लेट्स आई एम टेकिंग शिवम, शिवम लेट्स से हिज एज इज समवेयर अराउंड लेट्स से 40, एंड डेजिग्नेशन इज लेट्स से ही इज एन डेवलपर। ओके, डेवलपर। आफ्टर दैट मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और फिर अपन क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं 6-7 इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, है ना। सो 2, 2, 4, 2, 6। शिवम के बाद मैं ले लेता हूँ लेट्स से रश्मि, देन ऋतिक, देन आहूजा, समथिंग लाइक दैट, देन प्रतीक, एंड देन लेट्स से कृतिका। ओके, आफ्टर दैट आई एम गिविंग सम रैंडम एज, सो लेट्स से इट्स 35, देन 42, देन समवेयर अराउंड 40, सॉरी 28, देन प्रतीक इज ऑफ लेट्स से 34, एंड कृतिका इज ऑफ लेट्स से समवेयर अराउंड या 50, 50 समथिंग लाइक दैट। ओके,
शिवम डेवलपर है, रश्मि को मैं मान के चलता हूँ कि एक लीड है, रितिका को मैं मान के चलता हूँ कि ये मैनेजर है, आहूजा को मैं मान के चलता हूँ कि ये एक टेस्टर है, और प्रतीक एनीथिंग यू नो डेवलपर है, एंड कृतिका इज ऑल्सो एन लेट्स से मैनेजर और लीड है ना, मैनेजर ही मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारा ये लिस्ट, तो लिस्ट बेसिकली हमारा यूटिल से आता है, तो मैं इसको भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, डायरेक्ट मैं स्टार लगाता हूँ ताकि जो भी यूटिल से आए क्या हो जाए, बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा लिस्ट क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है कि फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास, यहाँ पे इंस्टीड ऑफ क्लास लेट मी लेट लिस्ट, सो फ्रॉम एम्प्लॉय लिस्ट प्रिंट ओनली दोज एम्प्लॉय हु इज लीड और मैनेजर। तो सबसे पहले तो मुझे लीड चेक करना पड़ेगा कौन है, फिर मैनेजर चेक करना पड़ेगा कौन है, और मुझे ये प्रिंट करना है कि चाहे वो लीड हो चाहे वो मैनेजर हो, उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो इसके पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं और ईजी बना दूँ। तो मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और या फिर अपन ये काम करते हैं, सबसे पहले अपन काम करते हैं, सबसे पहले लीड का अपन चेक कर लेते हैं कि लीड कौन कौन है। तो एक मैं प्रिडिकेट बनाने वाला हूँ, ये प्रिडिकेट बेसिकली क्या होगा, इम्प्लॉय लेगा, ठीक है, और मैं मानता हूँ कि ये लीड का प्रिडिकेट है, लीड इसका मैं रेफरेंस का नाम रख रहा हूँ। और ये क्या लेने वाला है बेसिकली, तो ये मैं लैम्डा एक्सप्रेशन मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब ये बेसिकली क्या लेगा, ये एक इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, और ये चेक करेगा ईएमपी डॉट, वन मिनट, वाई इट इज नॉट टेकिंग, ठीक है, प्रीडिकेट। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रीडिकेट को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ ईएमपी डॉट गेट, सॉरी ईएमपी डॉट गेट डेजिग्नेशन है ना, अगर ये इक्वल है, और इक्वल्स इग्नोर केस में देता हूँ, इन केस अगर लीड स्मॉल में हुआ या कैपिटल में हुआ तो भी ये क्या करेगा, उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं ना। अगर ये लीड है तो मैं, सॉरी मैं यहीं पे मैं इसको, तो मैं यहाँ पे मैं सिंपली मैं देता हूँ कि अगर वो लीड है तो आप क्या कर दो, कैपिटल आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो यहाँ से बुलियन। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको रिटर्न लिख देता हूँ सिंपली, है ना। तो ई एम पी है तो आप क्या करो, ई एम पी डॉट लीड, और इसको आपको यहाँ पे दिलाना, ठीक है। तो मैंने क्या चेक कर लिया, मैंने ई एम पी का ऑब्जेक्ट लिया और चेक किया ई एम पी का डेजिग्नेशन निकाल के, और उसमें से मैं इक्वल इग्नोर केस मेथड लगा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि ये लीड के इक्वल है कि नहीं। अगर लीड के इक्वल है तो ये हमारा क्या हो गया, ये लीड वाला जो है प्रिडिकेट हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, अगर आप इसको रिमूव करोगे तो आपको रिटर्न भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, राइट, आई मीन अर्लियर वीडियो में। अब एक ही आर्ग्यूमेंट है तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक और प्रीडिकेट बनाता हूँ, और ये भी बेसिकली इम्प्लॉय का ही प्रीडिकेट होगा, और इसको मैं बोलता हूँ ये मैनेजर है, ये क्या है, मैनेजर है। और फिर मैं क्या करता हूँ, ई एम पी से मैं ई एम पी डॉट गेट डेजिग्नेशन सेम चीज़ में लिखता है ना, और यहाँ पे मैं इक्वल्स इग्नोर केस लगा रहा हूँ, और मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ये मैनेजर है तो ये भाई हमारा प्रिडिकेट हो जाए मैनेजर का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फोर लूप लगाता हूँ, इस फोर लूप में अपन क्या करेंगे, ई एम पी लिस्ट को लेंगे, और इसमें से एक एक ई एम पी को अपन क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉई, ठीक है, और एक एक ई एम एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट को अपन लेंगे, और फिर अंदर जाके अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को क्या करना है, लीड चेक करना है कि कौन सा इम्प्लॉय लीड है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ लीड डॉट टेस्ट करो भैया एक एक इम्प्लॉय को, अगर ऐसा है तो आप सिंपली क्या कर दो, उसको प्रिंट कर दो, आप सिंपली उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एलन में ई एम पी को पास कर रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, फोर यहाँ पे बंद हो गया, ओके, फोर बंद हो गया, लीड डॉट टेस्ट एक्सपेक्टेड, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, लीड डॉट टेस्ट व्हाट इज दैट, हाँ एल ई ए डी डॉट टेस्ट,
और ईएमपी का ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहा है, 1 मिनट, ये हमारा मेन मेथड हो गया और ये हमारा ओके ओके ओके। यहाँ पे इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा हमें, तभी तो हमें पता चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि लीड हमें कौन कौन सा कौन कौन सा एम्प्लॉय बेसिकली लीड है। तो यहाँ पे प्रिंट एलियन लगा है फिर भी ओके। सो लीड बेसिकली हमारे पास एक ही है, देख रहे हो, रश्मि सिर्फ इस पूरे के पूरे एम्प्लॉय में क्या है, एक लीड है, ठीक है। अगर मैं चेक करता हूँ कि भाई मैनेजर कौन है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ये पूरे फोर लूप को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर। अब मुझे क्या करना है कि भाई मैनेजर कौन है, तो मैं लीड से नहीं, मैं मैनेजर से टेस्ट करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में ये क्या है, आपको रिटर्न कर देगा, ये मैनेजर रिटर्न कर देगा, और सेकंड वाले में ये रिटर्न कर देगा मैनेजर का सारा रोल, ठीक है। तो अगर अपन इसको रन करें और इसको हटाने के लिए अपन लिख देते हैं एक ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहला ये लीड आपको क्या करेगा, प्रिंट करके दिखाएगा। तो ये हमारे पास लीड है, लीड कौन कौन है बेसिकली, तो एक ही ये लीड है रश्मि, मैनेजर हमारे पास टोटल दो है, ये देखो मैनेजर, एक तो हमारे पास ऋतिक है और एक हमारे पास प्रीतिका है, ठीक है। तो ये दोनों मैनेजर है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, सिंस हम सेम काम करा रहे हैं, तो आप, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक, और प्राइवेट सेम है ना, तो मैं प्राइवेट यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ प्राइवेट स्टैटिक परफॉर्म समथिंग लाइक दैट, है ना। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न समथिंग, वॉइड परफॉर्म, ठीक है। और ये बेसिकली मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ, लिस्ट ले रहा हूँ एम्प्लॉय का, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ ईएमपी लिस्ट, और फिर ये क्या लेगा, और ये लेगा प्रीडिकेट, है ना। तो प्रीडिकेट मैं ले लेता हूँ, और इसको मैं टाइप सेव कर देता हूँ एम्प्लॉय से, और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ प्रीडिकेट, ओके। अब सिंपली यहाँ से अपन एक, अब इतना कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, इसी को अपन एक्सेस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा, किसको लेके, इम्प्लॉय लिस्ट को लेके चलाऊंगा, और ये इम्प्लॉय लिस्ट हमें क्या क्या रिटर्न करेगा, बेसिकली एक एक इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर, क्लियर है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रिडिकेट के बेस पे अपन चेक करते जाएंगे टेस्ट मेथड को कॉल करके एक एक इम्प्लॉय को, है ना। तो मैं यहीं पर इफ कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ अगर ऐसा है ना, या फिर आप बुलियन में भी इसको ले लो, बुलियन में लेके आप डायरेक्ट इसको क्या करो, चेक कर लो। तो मैं उस चीज़ को आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बुलियन रिजल्ट बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं फिर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इफ अगर हमारा रिजल्ट ट्रू है, तभी हमें क्या करना है, प्रिंट करना है एम्प्लॉय को, तभी हमें क्या करना है, प्रिंट करना है एम्प्लॉय को। अब यहाँ पे आपको ये सब चीज़ लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले अपन लिखते हैं, एक मैसेज देते हैं कि वनली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वनली लीड, तो ये केवल लीड दिखाएगा, ठीक है। और इसको मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं एक और मैसेज लिख देता हूँ इसके बाद, वनली मैनेजर, है ना। अभी अपन फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी ये बेसिक अपन क्या कर रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर दूँ, ठीक है। अब हमें लीड को क्या करना है, कॉल करना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली अपन, अपने को कुछ नहीं करना है, अपन परफॉर्म को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, और लिस्ट में क्या कर देंगे, लीड को अपन पास कर देंगे, है ना। तो एम्प्लॉय लिस्ट और लीड, उसके बाद यहाँ पे भी अपने को क्या करना है, सेम काम करना है, परफॉर्म को अपन क्या करेंगे, कॉल करेंगे, क्योंकि हम बार बार क्या कर रहे हैं, इसी लाइन ऑफ कोड को अपन रिपीट कर रहे हैं, ये जो लाइन ऑफ कोड है ना, इसको अपन क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, और मेथड अपन इसीलिए बताते हैं ताकि रिपीटेशन से अपन क्या हो सके, बच सके, है ना। तो मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, रिमूव करके, और यहाँ पे इंस्टीड ऑफ लीड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड मैनेजर, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आपको सेम आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटर वे में आउटपुट मिलेगा, वनली लीड कौन कौन है भाई, तो रश्मि केवल लीड है, वनली मैनेजर कौन कौन है, तो हमारे पास ऋतिक और कृतिका है, व्हाट द पॉइंट। तो ये तो अभी तक हमारा पहला क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, ये अब हमने यहाँ से सीख लिया कि लीड कौन है, मैनेजर कौन है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 क्यों, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर रखा।
अब हमें पता करना है कि प्रिंट ओनली दोज एम्प्लॉय हु इज लीड और मैनेजर, मतलब जो लीड भी हो और मैनेजर भी हो। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? पहला जो सॉरी फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, मतलब इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, उसका आउटपुट क्या आना चाहिए? उसका आउटपुट आना चाहिए ये तीनों, ये तीनों। क्यों? क्योंकि या तो लीड होना चाहिए या मैनेजर होना चाहिए। तो बेसिकली ये तीनों क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं और ऑपरेटर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है ना। तो प्रीडिकेट के पास बेसिकली कितने मेथड होते हैं? पांच, जिसमें से टेस्ट पहला मेथड होता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद और होता है, एंड होता है, निगेट होता है। ये तीनों बेसिकली डिफॉल्ट मेथड होते हैं, और एक और मेथड होता है इज इक्वल जो कि स्टैटिक मेथड होता है, उसके बारे में भी हम आज ही बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ, क्योंकि हमें और चेक करना है, या तो लीड, इधर लीड और मैनेजर, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन मोर प्रीडिकेट विद द टाइप सेफ एम्प्लॉई इटसेल्फ, ओके। सो ये जेनरिक है बेसिकली, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लीड और मैनेजर, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लीड प्रीडिकेट के साथ और ऑपरेटर यूज करके मैनेजर डालता हूँ। तो अब ये जो प्रीडिकेट हमें रिटर्न करेगा, जो कि जो भी ये चेक करने वाला है, ये बेसिकली चेक करेगा लीड भी हो या मैनेजर भी हो, दोनों केस में ये क्या कर देगा, आपका वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हमारा केस हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब सेम चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर, ठीक है। ये सेम चीज़ को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर वनली। अब मैं लिखता हूँ इधर लीड और मैनेजर, इधर लीड और मैनेजर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वाले रेफरेंस को पास कर, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो इधर लीड और मैनेजर में आपको तीनों आउटपुट देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होगे राइट, इधर लीड और मैनेजर में हमें लीड भी देखने को मिल रहा है और मैनेजर भी देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्लियर है, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, है ना। तो सारा का सारा जो परफॉर्मेंस का कोड है वो हमारा ये वाला पर्टिकुलर मेथड कर रहा है ना। ये बेसिकली क्या कर रहा है, पहला जो है पहला इंप्लॉय का लिस्ट ले रहा है, एंड द सेकंड आर्गुमेंट इज बेसिकली टेकिंग द प्रीडिकेट रेफरेंस, एंड आफ्टर दैट इट इज परफॉर्मिंग द ऑपरेशन बेस्ड ऑन द लॉजिक, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और, ओके, सो दिस इज बेसिकली प्रीडिकेट ड्राइवर, लेट मी क्रिएट वन मोर क्लास प्रीकेट ड्राइवर वन, ओके, प्रीकेट प्रीडिकेट ड्राइवर वन। मैंने नाम क्यों लिखा ऐसा, प्रीकेट ड्राइवर, बिकॉज ये ड्राइवर क्लास है, और ड्राइवर क्लास बेसिकली हम उस क्लास को बोलते हैं जो मेन मेथड को क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, सेम क्वेश्चन इसी पे बेस है, पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रॉम सेम एम्प्लॉय लिस्ट है ना, सो बेसिकली आई हैव टू राइट द लिस्ट, प्रिंट ओनली दोज एम्प्लॉय हुज एज इज ग्रेटर देन 40 एंड इज लीड और मैनेजर, मतलब जिसका एज 40 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, और इक्वल टू है ना। सो जिसकी एज 40 से ज़्यादा हो, 40 या 40 से ज़्यादा हो, और साथ ही साथ एंड और साथ ही साथ या तो लीड हो या मैनेजर हो, या तो लीड हो या मैनेजर हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास या तो लीड या मैनेजर, हमारे पास ये वाला ऑलरेडी प्रीडिकेट बना हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और प्रीडिकेट बनाता हूँ एज चेक करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली मैं इम्प्लॉय का ही रेफरेंस रखूँगा, सो मैं ये चेक करूँगा एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ओके। सो ये हमारा बेसिकली एज हो गया, एज का हमने रेफरेंस ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट से मैं क्या निकालता हूँ, एज निकालता हूँ, ठीक है। और मैं इसको चेक करता हूँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है कि नहीं, सिंपल। ये हमारा प्रीडिकेट बन गया चेक करने के लिए कि हमारा जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है कि नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हमारा लगभग क्वेश्चन रेडी है। अब मैं यहाँ पे क्या, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि 40 वाला अपना कौन कौन सा है ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सिंपल, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे इम्प्लॉय, यहाँ पर सिंपली मैं लिख देता हूँ इम्प्लॉय ग्रेटर देन 40, इम्प्लॉय ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 40, ओके। और यहाँ पे मैं इसको पास करता हूँ, ये हमारा अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है। उसके लिए अपन अभी बेसिक तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ग्रेटर देन 40 कौन कौन है? तो एक तो कृतिका है और एक शिवम है, ठीक है। इक्वल टू को भी ये क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। तो ये दोनों हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो ये देखो, इम्प्लॉय ग्रेटर देन 40, सॉरी 42 भी है ना, ऋतिक, राइट। सो बेसिकली ये तीन लोग जो हैं, ये तीन इम्प्लॉय ऐसा है जिनका एज ग्रेटर देन 40 है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ये तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ या तो लीड हो या मैनेजर हो, आप तभी दिखाओ। मतलब हमारा आउटपुट जो आना चाहिए, उस आउटपुट में ये डेवलपर नहीं होना चाहिए, मतलब जिसकी एज ग्रेटर देन 40 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो, और साथ ही साथ या तो लीड हो या मैनेजर हो। तो सब सिंपल है ना, हमारे पास रेफरेंस है ग्रेटर देन एज का, ठीक है। एज का हमारे पास रेफरेंस है और लीड और मैनेजर का भी हमारे पास रेफरेंस है। अब सिंपली अपने को क्या करना है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज कर लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रीडिकेट बनाता हूँ, ठीक है। और प्रीडिकेट में अपन क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 एंड इज लीड और मैनेजर, ठीक है। ये हमारा हो गया रेफरेंस। अब इसमें मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि ये एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो मैं एज वाला सबसे पहले ये ले लूँगा और इसमें एंड ऑपरेटर लगा दूंगा, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर लगा दूंगा, डॉट, सॉरी, वाइट इज कमिंग, ओके। सो उसके बाद मैं लिखता हूँ डॉट एंड, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको पास कर देता हूँ, लीड होना चाहिए या मैनेजर होना चाहिए। तो ये हमारा प्रीडिकेट बन के रेडी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ इस वाले चीज को। और हमें चूंकि क्या पता करना था कि हाँ, एज इम्प्लॉय ग्रेटर देन 40 एंड इज लीड और मैनेजर, ओके। और मैं क्या करता हूँ, इस वाले रेफरेंस को यहाँ पे पास कर। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो आपको आउटपुट में सिर्फ दो लोग आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, लीड तो चूंकि हमारे पास ऐसा ऐसा कोई लीड है ही नहीं जिसकी एज 40 या 40 से ज्यादा हो, है ना। हमारे पास वैसे भी एक ही लीड है ना। तो इस केस में ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ हमें मैनेजर वाला दे रहा है जो कि 42 एज है और 50 एज है, क्लियर है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और लीड अपन ऐड ही कर लेते हैं ताकि अपने को पता चल जाए कि चलो भाई लीड का भी हमें रेफरेंस आ रहा है ना। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ लेट से जोए, और इसका एज मैं मान के चलता हूँ कि 45 है और ये लीड है। तो अब इसका भी क्या होना चाहिए, इसका भी रिकॉर्ड हमें दिखना चाहिए थर्ड लास्ट वाले में, है ना। सो अब हमें टोटल तीन रिकॉर्ड आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, आई मीन सिक्स्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फ्रॉम इम्प्लॉय क्लास प्रिंट ओनली दोज इम्प्लॉय हुज एज इज ग्रेटर देन 40 एंड इज ओनली मैनेजर। अब इस केस में हमें क्या आउटपुट आना चाहिए, सिर्फ मैनेजर। मतलब उस इम्प्लॉय को क्या करें, हमें फाइंड करना है जिसकी एज 40 से 40 से ज़्यादा हो और क्या हो, मैनेजर हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब चूंकि सिर्फ मैनेजर होना चाहिए और उसकी एज 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो दोनों दोनों का रेफरेंस है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक प्रीडिकेट बना लेता हूँ, या फिर इसको करते हैं दूसरे दूसरे में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और मैं बनाता हूँ फाइल, इसको सेव एज करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेडिकेट टू।
ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट क्लास इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप जब मैं इस कोड को क्या करूँ गिटहब पे या फिर कहीं भी आपको एक्सेसिबिलिटी दूँ तो ताकि आप उस चीज़ को क्या करो एक्सेस कर पाओ डायरेक्ट, और वहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि क्वेश्चन वाइज का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, सिंपल है हमारे पास। हाँ, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि ग्रेटर देन एज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं प्रीडिकेट बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने प्रीडिकेट बना लिया, सिंपली इम्प्लॉय का ही प्रीडिकेट बनाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें मैं लिखता हूँ कि सिंपल ये वाला मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, बट एज तो 40 से ज़्यादा होना चाहिए एंड मैनेजर होना चाहिए, है ना, एंड मैनेजर। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अपन काम करते हैं, एक तो अपन एज वाला रेफरेंस ले लेते हैं कि 40 से ज़्यादा हो, एंड ऑपरेटर यूज करेंगे और मैनेजर को अपन क्या कर लेंगे यूज कर लेंगे। क्लियर है? अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, आपको मेथड बना ये परफॉर्म मेथड बनाने का बहुत फ़ायदा हुआ ना, क्यों, क्योंकि आपको बार बार फॉर लूप यूज़ करने का जरूरत नहीं पड़ा। आप डायरेक्ट क्या करो, इसको यूज़ करो। आप इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हो पर आपका जो कोड है ना वो काफ़ी क्लियर और ऑप्टिमाइज्ड हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इम्प्लॉय ग्रेटर देन 40 एंड इज मैनेजर। ठीक है, एंड इज मैनेजर, तो यहाँ पे हमें इस वाले रेफरेंस को क्या करना पड़ेगा, पास। अब जो आपका आउटपुट आएगा इसमें सिर्फ दो आउटपुट आएगा, क्योंकि जिसका एज 40 से ज़्यादा है और मैनेजर है, ऐसे सिर्फ दो ही लोग हैं हमारे इस लिस्ट में। ठीक है, तो ये याद रखना, ये दो ऐसे इम्प्लॉई हैं जिनकी एज 40 या 40 से ज़्यादा है, और साथ ही साथ इनका डेजिग्नेशन क्या है, इनका डेजिग्नेशन मैनेजर है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो, आई मीन सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉई, ओके, मैं हर जगह क्लास लिख दिया हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लास आई शुड राइट लिस्ट। ओके, प्रिंट वन दोज एम्प्लॉई हु इज नीदर लीड नॉर मैनेजर। तो यहाँ पे बेसिकली हम निगेट यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली अपन क्या यूज करने वाले हैं, निगेट। ओके, जो ना ही लीड हो और ना ही मैनेजर हो, तो हमारे केस में आप बताओ आउटपुट क्या आना चाहिए, जो ना कि लीड है और ना ही मैनेजर है। तो बेसिकली हमारे पास डेवलपर है और टेस्टर है, तो दो डेवलपर है और एक टेस्टर है, तो बेसिकली हमारे पास टोटल तीन रिकॉर्ड आना चाहिए, है ना, इस चीज़ को भी अपन देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो कि ना ही लीड हो और ना ही मैनेजर हो, तो सबसे पहले तो मैं प्रेडिकेट बनाता हूँ इम्प्लॉय का, और ठीक है, और मैं लिखता हूँ डायरेक्ट लिखता हूँ, है ना, एन नीदर लीड नॉर मैनेजर। ओके, अब अपन क्या करते हैं, निगेट यूज करते हैं। निगेट बेसिकली हम डायरेक्ट प्रिडिकेट पे अपन यूज कर सकते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ लीड का भाई उल्टा कर दो, मतलब ना ही वो लीड होना चाहिए डॉट एंड ना ही वो मैनेजर होना चाहिए, सो मैनेजर को भी मैं निगेट कर दूंगा। आप चीज़ों को ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ना ही लीड होना चाहिए और एंड एंड ऑपरेटर यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए। तो ये हमें नीदर लीड नॉर मैनेजर मिल जाए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ और लिखता हूँ एम्प्लॉय हु इज नीदर लीड नॉर मैनेजर। ठीक है, तो मैं इसका रेफरेंस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पास कर दूंगा। अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो हमारे पास सिर्फ तीन आउटपुट आना चाहिए, दो डेवलपर और एक टेस्ट। ठीक है, तो ये आप देखो दो डेवलपर और एक टेस्टर हमारे पास सिर्फ आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये ना ही लीड है और ना ही मैनेजर है। क्लियर है? तो ये हमारा इस वाले का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। अब हमारे पास बेसिकली इज इक्वल आता है, कि इज इक्वल बेसिकली क्या करता है, बेसिकली ये चेक करता है। तो ये स्टैटिक मेथड है, राइट, तो ये डायरेक्ट प्रिडिकेट इंटरफेस अपन क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली अपन इज इक्वल को इसलिए यूज करते हैं ताकि ये पता कर पाए कि जो हम जो भी इनपुट पास करने वाले हैं बेसिकली वो इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रहा है, जैसे मैंने प्रिडिकेट डॉट इज इक्वल लिखा है रजत, तो अब आप कोई भी टेक्स्ट दोगे, है ना, सो जब आप प्रिडिकेट डॉट सॉरी जब आप नेम डॉट टेस्ट लिखोगे और अगर रजत के इक्वल हुआ तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो इसका जस्ट बेसिक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव एज करता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ थ्री,
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबको रिमूव कर देता हूँ, है ना, ताकि किसी का कोई काम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, सबको अपन रिमूव कर देते हैं। इसका मैं नाम देता हूँ प्रीडिकेट 3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रीडिकेट बनाता हूँ, और प्रीडिकेट ये बेसिकली स्ट्रिंग लेगा, राइट, और बेसिकली चेक को अपन इक्वल चेक करेंगे, तो मैं इक्वल नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं प्रीडिकेट का, चूंकि ये स्टैटिक मेथड है, डायरेक्ट प्रीडिकेट से अपन क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। सो इज इक्वल, अब क्या ये इक्वल है, लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ इंडिया, तो अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग पास करूंगा तो उसको मैं चेक कर पाऊंगा, जैसे क्या वो इंडिया है या नहीं, तो मैं एस आउट में सिंपली लिखता हूँ, मैं चेक करता हूँ, और बेसिकली ये इज इक्वल क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स, है ना। तो मैं सबसे पहले उसको आपको दिखा दूँ, तो मैं लिखता हूँ इक्वल डॉट टेस्ट, और मैं पास करता हूँ इंडिया, तो क्या इंडिया इसके इक्वल है, तो ये आपको इधर रिटर्न, सॉरी ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स, है ना। तो मैं रिजल्ट में दे देता हूँ इसको, राइट, और फिर मैं क्या करता हूँ, इस रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, इस रिजल्ट को अपन प्रिंट कर देते हैं। तो क्या जो हमने स्ट्रिंग पास किया है, क्या वो इसके इक्वल है, इस प्रीडिकेट के इक्वल है? हाँ, ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे ये क्या पूरा इंडिया क्या करता हूँ, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, अब टोटल का टोटल क्या है, कैपिटल लेटर में, तो यहाँ पे ये फॉल्स, क्यों, क्योंकि ये केस सेंसिटिव अप्रोच को क्या करता है, यूज करता है, और इक्वल्स इनडायरेक्टली इम्प्लिसिटली उस चीज़ को क्या किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो बेसिकली ये सारे मेथड्स हैं इस प्रिडिकेट इंटरफेस के, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपका और एंड एंड निगेट। निगेट कभी कभी आप यूज कर सकते हो, पर बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, टेस्ट और एंड एंड, ठीक है। तो आई थिंक प्रिडिकेट इज कंप्लीटेड फाइन, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर इधर कंज्यूमर और फंक्शन, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो इस वीडियो में अपन प्रिडिकेट कंप्लीट कर चुके हैं, अगले वीडियो में अपन बेसिकली फंक्शनल फंक्शन या फिर कंज्यूमर के बारे में देखेंगे, आफ्टर दैट वी गो फॉर सप्लायर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, आई मीन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी इश्यू होता है रिगार्डिंग कोई भी आपको यहाँ से वीडियो से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में या फिर लिंक्डइन के थ्रू आप मुझसे क्या कर सकते हैं, चीज़ों को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द वीडियो।